फाइंड बल्क मॉडुलस ऑफ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। बल्क मॉडुलस बीच में कैसे आ गया, तो खत्म हो गया था, बैठे बैठे थर्मो कर रहे हैं और बल्क मॉडुलस आ जाता है। कैसे आ जाता है, क्योंकि आप गैस को क्या कर रहे हो, कंप्रेस या एक्सपैंड। और गैस, कोई भी लिक्विड या गैस को जब कंप्रेस करते हैं तो बल्क मॉडुलस की एप्लीकेशन है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास आके डीवी डेल्टा वी जनरेट करते हैं। तो जहां पर कंप्रेशन होगा या एक्सपेंशन होगा वहां पर बल्क मॉडुलस आएगा, स्पेशली लिक्विड और गैसेस में। तो लिक्विड या गैस, जैसे लिक्विड में भी करते थे, बल्क मॉडुलस क्या होता था, आप एक बॉल को कंप्रेस करते थे, लिक्विड प्रेशर लगाता था, इसमें गैस प्रेशर लगा रही है, तो गैस जो है वो एक दूसरे को पार्टिकल्स को क्लोज लेके आ रही है। तो बल्क मॉडुलस क्या होता है, माइनस जो भी चेंज इन प्रेशर करोगे, आप पिस्टन को दबाओगे, प्रेशर चेंज होगा डीपी डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन डीवी बाय वी। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये टर्म आ गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डीपी और डीवी को एक तरफ, आप बल्क मॉडुलस निकालना चाहते हैं, एक काम करें, पहले आइसोथर्मल का निकाल लें। पिछले टॉपिक में अभी हमने किया था कि स्लोप जो होती है आइसोथर्मल की, वो क्या होती है, माइनस पी अपॉन वी, डिफ्रेंशिएट करके निकाला था। सीधा रिजल्ट यूज करें, स्लोप माइनस पी बाई वी, तो इसकी जगह रिप्लेस करें माइनस पी बाई वी, माइनस से माइनस, वी से वी कैंसिल, बल्क मॉडुलस पी के इक्वल आ गया, डन। बल्क मॉडुलस प्रेशर के इक्वल ही होता है आइसोथर्मल में। लेकिन अगर यही प्रोसेस किस पे है, एडियाबैटिक पे है, तो एडियाबैटिक की स्लोप क्या आई थी, माइनस गामा पी बाई वी, इसमें गामा एक्स्ट्रा आया था। तो डीपी बाई डीवी की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस गामा पी बाई वी, माइनस माइनस वी से वी कैंसिल, तो आंसर गामा इंटू पी। तो ये बल्क मॉडुलस याद रखना, आइसोथर्मल का क्या होता है पी, और एडियाबैटिक का गामा इंटू पी। आइसोथर्मल की स्लोप क्या होती है, माइनस पी बाई वी, एडियाबैटिक की माइनस गामा पी बाई वी, गामा से मल्टीप्लाई कर देते हैं बस, ये याद रखना, ऑब्जेक्टिव में काम आएगा।